चलिए तो बच्चों, कल हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था। अब हमें पढ़ने हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स चलते हैं, तो उन ट्रेंड्स को हमें देखना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहते हैं ना ट्रेंड, ट्रेंड मतलब हिंदी में होता है चलन। कहते हैं ना आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, कपड़े की दुकान में जाओ तो ये चलन में है। तो क्या क्या रिवाज हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल, ठीक है ना। तो चलिए नंबर वन, अक्रॉस द पीरियड। बच्चों अगर आप पीरियड के अक्रॉस जाते हो, देखो जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है वो ये है, तो अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो देखिए इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पाँच, इसमें छः, इसमें सात और इसमें आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अक्रॉस द पीरियड जाएंगे अगर आप पीरियड के अक्रॉस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे कि घटेंगे बताओ? बोलो भाई क्या देखा सर, आपने? बढ़ेंगे सर। बढ़ेंगे, यस। तो नंबर वन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मगर एक वैलेंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो वैलेंस शेल बदलती नहीं है, एक ही वैलेंस शेल में बढ़ते हैं, कभी दो फिर आगे तीन फिर आगे चार फिर आगे पाँच फिर आगे छः। तो वैलेंस शेल क्या होती है? कांस्टेंट। समझ में आया ये दोनों पार्ट? यस सर, यस। तो वैलेंस शेल फिक्स होती है मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए डाउन द ग्रुप। अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप आने में आपको पता होगा कि सीधे मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो सेम होते हैं मगर वैलेंस शेल बढ़ती जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप में शेल बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस। डन? यस सर। चलिए बताइए वैलेंसी, बताइए अनामिका, अक्रॉस द पीरियड जाने पर वैलेंसी क्या होती है? सर बढ़ती है। हाँ बढ़ती है, कब तक? कार्बन तक बढ़ती है, 14 तक। कल आपने देखा था कार्बन की होती है 4, वो कोवेलेंट बनाता है, और कार्बन के पहले यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और कार्बन के बाद यहाँ फिर से 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, याद आया? यस सर। इधर होती है पॉजिटिव, इधर होती है नेगेटिव, देखा था ना कल? यस सर। तो क्या होगा? वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड, वैलेंसी इंक्रीजेस टिल 14 ग्रुप देन डिक्रीजेस टिल 18, 14 के बाद 15, 16, 17, अगला 18, तो जीरो होती है वैलेंसी क्योंकि वो तो वैलेंस नोबल ग्रुप होता है। तो कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होती है, फिर क्या होती है? डिक्रीज होती है। डन? यस। डाउन द ग्रुप वैलेंसी के साथ क्या होता है बताइए? सर डिक्रीज। सर गलत, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, गलत बेटा। एक ही ग्रुप में आप जाओगे तो चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम, चाहे पोटेशियम हो, सबकी एक ही ग्रुप में वैलेंसी कॉन्स्टेंट होती है क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है ना, एक ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इस सेल में। समझ में आया ना? यस। हाँ यस यस। तो भाई चाहे आप लिथियम ले लो, चाहे आप पोटेशियम ले लो, चाहे आप सोडियम ले लो, सबके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम सेम होंगे, तो वैलेंसी भी तो सेम होगी, यस और नो? सर। चलिए अगला है साइज ऑफ द एटम, पढ़िए अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव टू राइट पॉजिटिव चार्जेस ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज, सो अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोज टू न्यूक्लियस, दस साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज ऑफ न्यूक्लियस जो साइज ऑफ एटम छोटा होता जाता है, उसका कारण ये है कि बेटा लेफ्ट टू राइट आने पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, एक ही शेल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब एक ही शेल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बेटा तो जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के प्रति क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, इसलिए ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो आंसर साइज ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस, लिख लो बेटा कॉपी में, ऑन गोइंग फ्रॉम, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज छोटा होता जाएगा। यस। सेकेंड लिखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बेटा, डाउन द ग्रुप गुड इवनिंग। डाउन द ग्रुप जाने पर बच्चों शेल बढ़ते जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बताओ साइज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। तो एज वी गो डाउन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, सो साइज ऑफ द एटम इज ऑल्सो इंक्रीजेस। डन डन सर।
चलिए अब बात करते हैं मेटेलिक करेक्टर की। बेटा मेटल और नॉन मेटल किसके हिसाब से होता है? मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन रोक के रखने की या लेने की टेंडेंसी। तो जब जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, इधर जाते हो, तो आपको पता होगा इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बड़ा होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेगा। तो नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो बताओ भाई हर्षिता, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर बताओ मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। ये देख लीजिए लिखा हुआ है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। ओके भेज दो भाई मैं हूँ। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और इधर पे जाने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर देखिए, इधर इधर जाने पर इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट आने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। मींस लेफ्ट में आने पर मेटेलिक करेक्टर जो होगा आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक ना। राइट में जाने पर डिक्रीज होगा और लेफ्ट में आने पर इंक्रीज होगा। बच्चों एक सेकेंड, हाँ जी हेलो बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी। देखिए तो हम बात कर रहे थे मेटेलिक करेक्टर की। तो बच्चों अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू अगर आप राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। तो राइट टू लेफ्ट आने पे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाने में मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी मेटेलिक करेक्टर से ही एसोसिएटेड होती है। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब कौन ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन रेडियली छोड़ पाएगा। तो आपको पता है कि भाई इधर जाने पर नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इधर क्या होगी? डिक्रीज होगी। वैलेंसी भी देखी थी आपने कि इधर जाने पर निगेटिव वैलेंसी बढ़ती है, तो इधर जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। पढ़ी अनामिका, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। इफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज हाईली हाई, इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर किसी की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है मतलब वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और अगर किसी की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है तो वो डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। चलिए पढ़िए, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज एंड देयरफॉर मोर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज डिफिकल्ट टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होगी लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, डाउन द ग्रुप, down the group as we move down in a group size of atom increase so less attraction on electrons so it is easy to take electrons thus electropositive increase down to group। बिल्कुल सही बात है भाई, नीचे आने पर जो होता है साइज बढ़ता जाता है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है फ्री होता चला जाता है, तो नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। यस yes. चलिए अब पढ़िए नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये मैं समझाता हूँ बच्चों, नेचर ऑफ ऑक्साइड अक्रॉस द पीरियड। देखिए अक्रॉस द पीरियड जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट में क्या होते हैं बच्चों? मोस्टली मेटल्स होते हैं, और राइट में क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। मतलब ऑक्साइड का कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है? बेसिक टू एसिडिक, मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं बेसिक। तो डाउन द ग्रुप जाने पर कैसे ऑक्साइड बनेंगे? एसिडिक ऑक्साइड की बेसिक ऑक्साइड? बोलो
डाउन द ग्रुप जाने पर कैसा ऑक्साइड बनेगा? बेसिक, मतलब डाउन द ग्रुप जाने बेसिक पर बेसिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, समझ गए ना? तो डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होगा और एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखिए अब यदि हम बात करते हैं राइट साइड जाने पर, तो देखिए लेफ्ट में जो ग्रुप होते हैं, लेफ्ट में कौन कौन से एटम होते हैं? सोडियम और मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। फिर बीच में क्या बैठे हुए हैं? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनके ऑक्साइड एम्पोटेरिक होते हैं। और राइट में कौन कौन है? फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मेटल नॉर्मल फॉर्म नॉर्मली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल नॉर्मली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। चलिए अब पढ़िए केमिकल रिएक्टिविटी। ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों, ऊपर वाला कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है ऑक्साइड ऑक्साइड्स का। हाँ बेटा बोलो। सर जो ये पीरियोडिक टेबल है तो ये पूरी लर्न करनी पड़ेगी। नहीं, बीच वाले ट्रांजिशन एलिमेंट बट लर्न मत करो, बाकी आप याद कर लो। ये शुरू के दो याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप याद कर लो बस। यस सर। चलिए अगला अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड। देखो बेटा लेफ्ट से राइट में जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। लेफ्ट से राइट जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि यहाँ हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम, और यहाँ फिर चला जाता है कौन? नियॉन, मतलब इनर्ट गैस, नोबल गैस, अनरिएक्टिव गैस, है ना, लेस रिएक्टिव गैस। तो यहाँ से यहाँ जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड पूरे ऑक्टेट कंप्लीट होता करता चला जाता है। मगर जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो शेल बड़ी होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता चला जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। मगर लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज पड़ेगी। पढ़ो हर्षिता, अक्रॉस द पीरियड। Across the period, first decreases as it is more difficult to lose more electron, and then increase from left to right as it easier to gain lesser number of electron. हाँ, तो इसमें दो ट्रेंड्स बताए गए हैं बेटा इसके क्या रिएक्टिविटी के, कि पहले रिएक्टिविटी जो होती है डिक्रीज होती है, मतलब पहले रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है और फिर एकदम से रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। फर्स्ट डिक्रीज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, बट देन इट इज इंक्रीज देन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट इज ईजियर टू गेन लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए जरा सा, जैसे अपने पास लेफ्ट में है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर इसके बाद देखो सोडियम मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 13 14 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस, फिर आता है सल्फर 16 पे, 17 पे आती है क्लोरीन, 18 पे आता है आर्गन। 16 17 18, ये देखिए बच्चों। तो बच्चों जैसे आपके पास सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है? सोडियम। तो यहाँ से जाओगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर रिएक्टिविटी जो होती है बच्चों सिलिकॉन तक एकदम डिक्रीज हो जाती है, सिलिकॉन तक रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और फिर इसके बाद रिएक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब एक बार घटती है और एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर पे आके क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो दो लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं, इधर इस वाले कोने का सोडियम और इस वाले कोने का क्लोरीन, मतलब रिएक्टिविटी पहले घटती है बाद में फिर से बढ़ती है। याद आया कल मैंने पढ़ाया था कार्बन के बारे में, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इधर पे 3, इधर पे +2, इधर पे +1 वैलेंसी, और इधर पे फिर माइनस करो, याद करो -3 फिर -2 फिर -1। तो ये जितने नंबर कम हो रहे हैं ना बच्चों ये रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा तेज होगी क्योंकि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने में और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत रिएक्टिविटी शो होती है। आया समझ में? नहीं आया? यस सर। चलिए आगे देखिए डाउन द ग्रुप। अब भैया डाउन द ग्रुप जाने पे मेटल का साइज इंक्रीज होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने में मेटेलिक की रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी बेशक। अगर आप नीचे जाएंगे तो
तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, समझ गए ना। ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। चलिए, तो लिखा है डाउन द ग्रुप, एज वी मूव इन डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस इन मेटल फॉर एंड इंक्रीजेस फॉर नॉन मेटल। आप चाहे नॉन मेटल की बात करो चाहे मेटल की बात करोगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। चलिए अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन या उसके फेलियर, उसको अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पढ़ो बेटा, पढ़ो नामिका, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पहली चीज थी मेंडलीव की फेलियर, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडलीव ने सारे आइसोटोप को एक ही साथ रख दिया था, समझ गए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं आई थिंक ना, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। चलो एक बार फिर से आ गया, खैर नो प्रॉब्लम। चलिए पढ़िए बेटा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। एज वी नो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। दे आर प्लेस्ड टुगेदर बाय मेंडलीव as they have similar properties but then this violated the arrangement scheme of increasing atomic masses. Modern periodic table use atomic number for arrangement of element. Atomic yes. number of isotopes is same so they should be at same location as per table. हाँ भाई देखिए, ये जो है मेंडलीव कह रहा है, actually explanation of limitation मेंडलीव की बताई गई है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो देखो मेंडलीव की बात की जाए तो मेंडलीव ने जो अपनी टेबल बनाई थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे बनाई थी। और आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट उनके मास नंबर अलग होते हैं। जैसे कार्बन का एक आइसोटोप होता है 12, कार्बन का एक आइसोटोप होता है 14। तो एक 12 आइसोटोप है, एक 14 आइसोटोप है। तो कार्बन के दो आइसोटोप हैं, दो अलग अलग मास वाले, एक 12 मास का एक 14 मास का, दो यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप है। तो अकॉर्डिंग टू द मेंडलीवियन रूल 12 वाले को अलग रखना था और 14 वाले को अलग रखना था, बट मेंडलीव ने दोनों को एक साथ रख दिया, 12 वाले को एक साथ और 14 वाले को एक साथ। इसलिए उनका ये लॉ यहाँ पे वायलेट हो गया, फेल हो गया, है ना। इस लॉ, उन्होंने खुद के लॉ को गलत साबित कर दिया इसको एक ही ग्रुप में रख करके। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई समस्या ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो बनी हुई थी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो जितने भी आइसोटोप होते हैं सबके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण सारे के सारे आइसोटोप एक ही पोजीशन पे आ जाते हैं। और इसमें कोई समस्या भी नहीं है, किसी रूल को तोड़ा भी नहीं जा रहा है। अगला पढ़ो बेटा, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। पढ़िए anomalous pair. Anomalous pair of elements. In Mendeleev periodic table, elements were put in order of decreasing atomic masses at same location. For example, copper and nickel. Cobalt and nickel. कल मैंने बताया था कि निकल का मास कोबाल्ट से कम होता है, मगर कोबाल्ट को पहले ला दिया गया और निकल को बाद में ला दिया गया। दिखाया, बताया था ना कल मैंने? Yes sir. This was not explained by Mendeleev, और Mendeleev ने इस बात को explain नहीं किया। Next पढ़िए, as per As modern periodic table use atomic number for arrangement and nickel has higher atomic number so it should follow copper sir cobalt in per in table, table. इसकी एक मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, it should follow copper। हाँ, yes तो मतलब देखा जाए तो कोबाल्ट को आगे आना चाहिए और निकल को पीछे आना चाहिए, टेबल के अकॉर्डिंगली जो होता है इसको आगे पीछे आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों ये थे एनोमलस पेयर। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मैचेस विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 सो हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 सो हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1। ये मेंडलीव का इन्होंने फेलियर तो लिखा, बट ये फेलियर ऐसी नहीं होनी चाहिए। इनका ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मैचेस विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर एलिमेंट इन ग्रुप 1। तो अगर इसको तुम मेंडलीव की फेलियर के रूप में देख रहे हो तो ये बात सही नहीं हो रही है। बट आप इसको यदि इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उपलब्धि या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज के रूप में देख रहे हो तो ये बात सही है। अगर मेंडलीव की फॉर्म में देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। मेंडलीव की फॉर्म में देखा जाए तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है 1,
हाइड्रोजन की वैलेंसी वन जो है वो अपने ग्रुप में भी वैलेंसी वन हो रही थी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो दिख रही थी वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ भी सही थी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेवेंथ ग्रुप के साथ भी मैच हो रही थी। तो हाइड्रोजन की प्लेस को लेके तो यहाँ पे विवाद था, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था मेंडलीव के केस में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली क्या था हाइड्रोजन के केस में, मेंडलीव वाली टेबल में देखो। ये तो यहाँ पर तो इन लोगों ने ये लिख दिया कि लिख रहे हैं मेंडलीव का और तारीफ कर रहे हैं, जबकि मेंडलीव के केस में तो ये फेलियर थी भाई। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मेंडलीव के केस में ये फेलियर थी। यस एटॉमिक नंबर, हाँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये देखिए मेंडलीव के केस में पढ़िए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। स्लाइड हाँ है ना, स्लाइड देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू ग्रुप वन एज वेल एज ग्रुप सेवन बट मेंडलीव प्लेस्ड इन इट ग्रुप वन विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप वन में रख दिया था, तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो मेंडलीव के गले की हड्डी बन गई थी भाई। उसने तो मेंडलीव को परेशान कर दिया था कि आपने हाइड्रोजन को कैसे रख दिया, समझ गए। तो एक्चुअली यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है ये हेडिंग गलत लिखी हुई है, मेंडलीव की डिमेरिट्स नहीं है, ये मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो ये जो हेडिंग है यहाँ पे इस शीट में ये गलत है ना। ये जो लिखा हुआ है क्या हेडिंग थी यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ना, इसको लिख लो मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये होगा पूरा सेंटेंस। मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अच्छाइयाँ क्या थी विद कंपेरेटिव टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में अच्छाइयाँ क्या थी। तो पहली चीज, आइसोटोप का पंगा खत्म हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनी हुई थी। दूसरी थी एनोमलस पेयर बिल्कुल हट गए, क्योंकि एनोमलस पेयर इसलिए हट गए क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से थी तो जिसका रोल नंबर पहले था वो पहले आएगा, जिसका रोल नंबर बाद में था वो बाद में आएगा, तो ये वाली भी समस्या समाप्त हो गई। तीसरी चीज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो भी दिक्कत खत्म हो गई। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हाइड्रोजन वन पोजीशन पे ही आएगा, बोलो यस और नो। यस। चलिए तो बच्चों ये होता है आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश, जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमें यहीं तक पढ़ना था। डन। चलिए एनसीईआरटी में सबसे पहले बच्चों हम कर रहे वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर वाले टेक्स्ट के क्वेश्चन। चलिए पढ़िए अनामिका क्वेश्चन फर्स्ट। डिड डोवे, सर यहाँ से पढ़ लो सब। डोबर नियर, हाँ बुक से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिड डोबर नियर ट्रेड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। हाँ, क्या न्यूलैंड की टेबल में, न्यूलैंड के ऑक्टेव टेबल में भी क्या डोबर नियर ट्रेड एग्जिस्ट करते थे? क्या न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था उसमें भी, न्यूलैंड के ऑक्टेव सिस्टम में जो कॉलम थे न्यूलैंड के, क्या उसमें भी डोबर नियर ट्रेड्स एग्जिस्ट करते थे? देखिए जरा, तो आपको न्यूलैंड और डोबर नियर दोनों के टेबल मैच करने पड़ेंगे और आपको देखेगा कि जी हाँ, जो डोबर नियर के ट्रेड थे वो न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल की टेबल में भी पाए जाते थे। पढ़ो बेटा। Yes, Dobernier trades exist in the columns of Newland octave. Example, in Dobernier trade, latinium, sodium and potassium. Latinium नहीं है, वो lithium है. Lithium, sodium and potassium make a trade and these elements are also present in the same column of Newland octaves. As these have the same properties. तो Newland के जो तीन ग्रुप थे, तीन जो तिकड़ी थी इसकी, सोडियम लिथियम पोटेशियम की, वो न्यूलैंड में भी पाई गई थी। डोबरनियर वाले जो ट्रेड थे न्यूलैंड में भी पाई गई थी। यस और नो? यस सर। चलो यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबरनियर क्लासिफिकेशन? ओके टेल। लिमिटेशन ऑफ डोबरनियर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट डोबरनियर कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स, दैट इज टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स ओनली। टोटल 9 एलिमेंट में 3 ट्रेड ही मिले थे, है ना, मतलब कि टोटल 9 एलिमेंट, जबकि उस समय तक कितने एलिमेंट खोज लिए गए थे? 30।
30. चलो आगे पढ़ो सेकंड। However, the total number of elements were more than that of these decomposed in Dovernier trade. दोज एनकॉम्पास्ड इन डोबर नियर ट्रेड, ये मत लिखो, ये कुछ गलत मिसप्रिंट आई थिंक मेरे को लग रहा है। हाउ एवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वर मोर देन दैट ऑफ दोज इन, अच्छा इसका मतलब दोज आर, इसको कर लो है ना, इसको लिखो एकम्पनीड लिख लेना, मतलब कि डोबर नियर ट्रेड में जो शामिल थे उस समय एलिमेंट, नौ एलिमेंट, उससे कहीं ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए थे, मगर इसमें केवल नाइन एलिमेंट लिए गए थे, ये उसी बात को कह रहा। थर्ड पढ़ो। Thus, Daubernier could not be classified most of the element known at that दैट टाइम, time. हाँ तो तीनों पॉइंट को मिला के काई को पॉइंट में लिखना, एक ही लाइन में लिख लो, पूरा स्टेटमेंट एक ही चीज है, इसलिए डोबर नियर जो था सारे एलिमेंट को क्लासिफाई करने में उस समय सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर, What were the limitations of Newland law of octave? Limitations of Newland laws of octave. First, Newland law of octave was applied up of calcium only. Elements after calcium did not obey the Newland law of octave. Newland adjusted two element under the same slot in spite of these different position properties such as cobalt and chlorine were both इंस्पाइट है, इंस्पाइट different. मतलब बजाय, इंस्पाइट मतलब बजाय, या जबकि, जबकि जैसे कोबाल्ट और क्लोरीन की बिल्कुल कितनी ज़्यादा अलग प्रॉपर्टी है, कोबाल्ट घनघोर मेटल है, क्लोरीन घनघोर नॉन मेटल है, एकदम गैस है बिचारी, फिर भी दोनों को साथ में रख दिए, राम राम राम, कितना बड़ा पाप कर दिया न्यूलैंड ने, है ना। वर पुट इन टू द सेम टेबल वाइल देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। बेटा फोर्थ पॉइंट पढ़ो। It appeared that Newland assumed that only 56 elements exist in the nature. After discovery of more elements, this law could no longer hold. देखिए उन्होंने कह दिया था 56 एलिमेंट गोजे जाएंगे उसके बाद केमिस्ट्री की दुकान बंद, मगर ऐसा नहीं था, उनके बाद उनके साथ में ही कई सारे एलिमेंट खोजे जा रहे थे। चलो अगला Yes. क्वेश्चन। Use Mendeleev period table to predict the formula for the oxides of the following element. मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करके बताइए कि इनके ऑक्साइड कैसे बनेंगे। तो बच्चों आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ओपन कर लो, अगर आप चाहते हो कि इसके ऑक्साइड कैसे बनेंगे, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए उसकी टेबल ओपन कर लो आप। देखिए तो जहां पर के लिखा गया है, आप देखिए पोटेशियम कहां पे है, तो पोटेशियम के ऊपर जो ऑक्साइड बना होगा वो R2O फॉर्म का बना होगा। यस सर हाँ, सी का जो ऑक्साइड बना है बच्चों वो देखिए बना होगा RO2 की फॉर्म का, जहां पे यस सी है। एल्यूमिनियम का यस जो ऑक्साइड बना हो बच्चों वो बना होगा R2O3 की फॉर्म का, एल्यूमिनियम के ऊपर यस देखो है ना। यस सिलिकॉन का जो ऑक्साइड बना है बच्चों वो RO2 की फॉर्म का, यानी कार्बन फैमिली वहीं पर बना होगा, देखो कार्बन के आसपास यस सर है ना। और बेरियम का जो ऑक्साइड है बच्चों वो बना होगा BaO, यानी RO की फॉर्म का, मिल गया, RO की टेबल में बेरियम आ रहा होगा। यस यस समझ गया समझ गया हाँ तो ये मेंडलीव ने सबके ऑक्साइड बनाए थे, हाइड्राइड बनाए थे। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेबल को देखो और बताओ कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो लियो भैया के का फॉर्मूला होगा R2O, सी का फॉर्मूला RO2, Al का फॉर्मूला R2O3, Si का फॉर्मूला RO2 और बेरियम का फॉर्मूला RO। पढ़ो अनामिका। The general formula for oxide of first, second, third, and fourth period, fourth group are R2O, RO, R2O3, and RO2. रिस्पेक्टिवली ठीक है ना। हाँ तो Respectively. फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप के ऑक्साइड बोले गए हैं, तो इसमें हमने फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप के ऑक्साइड के ये फॉर्मूले होते हैं, वेयर आर डिनोट्स द एलिमेंट। चलो पढ़ो सेकेंड, सिंस पोटेशियम। Since potassium belongs to first group, the formula of its oxide would be R2O. हाँ तो पोटेशियम का जो फॉर्मूला होगा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है तो इसका ऑक्साइड बनेगा R2O की फॉर्म का। सेकेंड पढ़ो। सर हाँ बेटा K2O, एक्चुअली पोटेशियम, आर की जगह के रख दे बेटा, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पढ़ो। ये सर छोटा हो जाए सर स्क्रीन हाँ, वो टू छोटा हो जाएगा। हाँ बैरियम
बैरियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड वुड बी BaO. एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड वुड बी Al2O3. कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड वुड बी CO2 एंड SiO2 रिस्पेक्टिवली. This formula of oxide of given element would be K2O, CO2, Al2O3, SiO2 and BaO respectively. आ गया समझ में? Yes sir. Good. Next question. Beside gallium, which other element have since been discovered that were left by मेंडलीव इन पीरियोडिक टेबल? हाँ, एल्यूमिनियम बिसाइड गैलियम, गैलियम के अलावा कौन से एलिमेंट और खोजे गए थे जिनके लिए जगह छोड़ दी थी अपने मेंडलीव साहब ने? तो आपको याद होगा है ना, कौन कौन से? एक का सिलिकॉन छोड़ी गई थी, तो जर्मेनियम भी खोजा गया था, और क्या खोजा गया था? स्कैंडियम भी खोजा गया था है ना, और साथ ही साथ गैलियम भी खोजा गया. तो गैलियम का नाम छोड़ करके और कौन खोजे गए थे? तो आंसर स्कैंडियम और जर्मेनियम. ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़िए. व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव यूज्ड एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट एज यूनिक क्राइटेरिया ऑफ द एलिमेंट. ही प्रपोज्ड दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड दस arrange the element in the increasing order of their atomic masses. ठीक है ना, तो मेंडलीव ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास को माना और उसने पीरियोडिक प्रॉपर्टी को दिखाया कि वो अरेंज किया द एलिमेंट, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ही सेड दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव. वॉट ही प्रपोज दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why do you think the noble gas are placed in separate group? Since noble gas are inert and all of them show similar properties, thus they have unique properties compared to other elements. Thus, they are placed in separate group in periodic table. Exactly. Next. How could the modern periodic table remove various मेंडलीव पीरियड टेबल की जो एनोमलीज थी, जो परेशानियां थी, उसको मॉडर्न पीरियड टेबल ने कैसे दूर किया? पढ़ो. वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल रिमूव्ड एज फॉलो इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल. फर्स्ट, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल. Thus, there are no need for keeping more than one element in one slot. Second, modern periodic table there was no problem of the place of isotopes, and isotopes have same atomic masses with different atomic number. Third, elements having same valence electron are kept in same group. एक मिनट. इन मॉडर्न पीरियड टेबल देयर वॉज नो प्रॉब्लम ऑफ प्लेस ऑफ आइसोटोप्स एज आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक मास. उल्टा कर दिया बेटा लिखने वाले ने. एज आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक मास. जैसे कार्बन के दो आइसोटोप 6C12 एंड 6C14 होते हैं, तो बेटा मास अलग अलग होते हैं, नंबर अलग अलग नहीं होते हैं. बट मॉडर्न पीरियड टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर थी, तो मास का पंगा खत्म हो गया है ना बच्चों. यस. नेक्स्ट. Elements having same number of shell were put under the same period. Fifth, position of hydrogen become clarified in as it kept in the group with the element of same valence electron. Exactly. जहाँ पे same valence electron, one valence electron के group में hydrogen को रख दिया गया. ये आप पढ़ना भूल गए. Elements having the same valence electron are kept in the same group. Same valence electron वालों को same group में रखा गया. Next question. Name two elements you would
expect to show chemical reaction similar to magnesium. What is the basis for your choice? Beryllium and calcium, these elements show chemical reactions similar to magnesium because magnesium, calcium and beryllium belongs to same group, that is group 6 in modern periodic table. Next. 10th, name 3 elements that have a single electron in their outermost shell, hydrogen, lithium and sodium. 2 elements that have 2 electron in their outermost shell, calcium and magnesium. 3 element with filled outermost shell, neon, argon and krypton jo gas hoti hai na, krypton, kr, unke outermost shell fill hote hai. Next question, number 11. Explain the following. Lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. In their all similarity, is there any similarity in atoms of these element? क्या इनमें सब में similarity है? जी हाँ, सब में कितने valence electron है? एक ही valence electron है. Next question, helium is an unreactive gas and neon gas is extremely low reactivity. What if anything do the other atom have in common? इनमें क्या common बात है भाई? बहुत चीज़ें common बात है कि इनका जो वैलेंस जो ऑर्बिट होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ये नोबल गैसेस हैं. चलिए पढ़िए पहला आंसर. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव फॉलोइंग सिमिलरिटीज. पढ़ो फर्स्ट पॉइंट. दे ऑल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1. सेम. यस. सेकंड, दे ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप 1 इन पीरियोडिक टेबल. यस. थर्ड, दे ऑल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड व्हिच विथ नॉन मेटल्स. यस. They all are highly electropositive. Yes. They all are highly reactive. Exactly. ये चारों पांचों properties होती हैं दोनों में. Next पढ़िए. Following properties are common in the atom of helium and neon. Both have completely filled outermost orbit. Both have stable electronic configuration. Belong to same group, that is zero group in modern periodic. Exactly. दोनों के outermost orbit fill होते हैं, दोनों के outermost orbit का configuration stable होता है क्योंकि ना कोई electron देता है ना लेता है, और तीसरा दोनों ही zero group से या noble group से belong करते हैं. Next पढ़िए question. In the modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? हाँ, तो भाई first 10 element में दो अपने पास जो है, first 10 group में जो मेटल है वो कौन कौन है? लिथियम है और बेरिलियम है. टेबल खोल के देख लीजिए, लिथियम और बेरिलियम है. क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए. बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर? हाँ, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बेरिलियम. तो बताना है कि आपको सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर किस में होगा. देखिए तो क्या है भैया, इनके अब इनको ढूंढो, पीरियोडिक टेबल में ढूंढो. सामने पीरियोडिक टेबल खोल लो बच्चों, पेज नंबर 87, और पेज नंबर 87 में देखो कि ये सारे एलिमेंट कहाँ है. इनको स्पॉट करो. देखो, इस जो बेरिलियम है वो सेकंड ग्रुप में आता है. बेरिलियम, यस सर, सेकंड ग्रुप में दूसरे नंबर का एलिमेंट होगा. यस सर, है ना, सेकेंड ग्रुप में यहाँ से शुरू होता है. सेकेंड ग्रुप में इधर से इधर होगा, इसके पहले लिथियम होगा और इसके बाद बेरिलियम होगा. बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में आ गया. फिर इसके बाद देखो जो गैलियम है बच्चों, वो 13 ग्रुप में आएगा. गैलियम नीचे आता है. गैलियम, यस यस. गैलियम के बाद जर्मेनियम आता है. यस सर. और जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक आता है. यस सर, है ना. और आर्सेनिक के बाद बच्चों आता है सेलेनियम, और नीचे. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. देखो, गैलियम, आर्सेनिक, सेलेनियम. गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम बिलोंग्स टू 13, 14, 15 एंड 16 ग्रुप रेस्पेक्टिवली. इनकी पोजीशन स्पॉट करो टेबल में.
तब समझ में आएगा। मिल गया? यस सर। और आज ही पढ़ाया मैंने कि लेफ्ट साइड जाने में मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। तो ये सॉरी, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो ये सारे लेफ्ट में राइट में बैठे हुए हैं। बोलो लेफ्ट में कौन बैठा है सबसे? बेरिलियम। बेरिलियम, तो इसलिए सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा? बेरिलियम का। चलो पढ़ो बेटा, मेटेलिक करेक्टर। Metallic character of element depend upon the position of periodic table. Group number of given element are as follow: beryllium, group 2; gallium, germanium as. Yes, मतलब arsenic, ऐसी मतलब selenium belongs to the 13, 14 and 15 and 16 group respectively. Since metallic character decreases from left to right in a period, thus